समूचे उत्तराखंड में कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली नंदा देवी महोत्सव की सभी तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि एक ओर जहां राम सेवक सभा और जिला प्रशासन ने नगर के मुख्य पर्यटक स्थलों में तोरण द्वार बनाए हैं, तो दूसरी ओर मेला परिसर में भी अस्थायी दुकानें बनाने का कार्य जारी है। इसी को लेकर राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि कमेटी द्वारा 123 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नंदा देवी महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर प्रांगण में पुलिस कर्मचारियों के साथ वॉलंटियर भी नियुक्त किए गए हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। इस वर्ष जो है राम सेवक सभा का 122वां वर्ष है। इस 122वें वर्ष में प्रवेश हम जब कर चुके हैं तो हम अपने पुराने रीति रिवाजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसमें जो है जितना परिवर्तन हम पुराने को आधार मानते हुए करेंगे, जैसे स्कूली बच्चों को हम जो है अपनी संस्कृति से रू अबरू करने के लिए यहाँ पर लोकगीत, हमारे कुमाऊनी गीत और साथ ही बच्चों के विकास के लिए कुछ प्रतियोगिता भी कर रहे हैं। साथ में हमारे जो हमारी जो मातृशक्ति है यहाँ पर पूरा झोड़े का एक आकर्षण यहाँ पर होगा। जो झोड़ा भी यहाँ पर होगा, पुरुषों के द्वारा भी यहाँ पर झोड़ा होगा। साथ ही मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, लोकल उत्पादों को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग राम सेवक सभा इस बार से पूरा फोकस कर रही है। इस वर्ष हरियाली को भी महत्व देते हुए एक स्टॉल पूरा जो है यहाँ पर एक पूरा स्टॉल है उसके लिए, जो हमारे वृक्ष हैं उसका पूरा यहाँ पर वृक्षों के जो बीज हैं उसका पूरा स्टॉल लगाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसको हम लोग अपने लाइव टेलीकास्ट के द्वारा भी इसको प्रमोट करेंगे।